मेरा मुझे सवाल नहीं पूछना चाहिए इससे, मैं सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि आप एक संस्था बताइए इन दिस डेमोक्रेसी, एक संस्था बताइए जहाँ पे कोई जाके इंसाफ मांग सकते हैं, कोर्ट जा सकते, पुलिस के पास जा सकते, प्रेस के पास जा सकते हैं, कलेक्टर के पास जा सकते हैं, सारा कानून है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन हु यू आर। कानून है लेकिन आप दलित है तो कानून अलग है, आप मुस्लिम है तो कानून अलग है, आप औरत है तो अलग है, आप गरीब है तो अलग है। ऐसा नहीं है कि कानून है सबके लिए एक है, नहीं है। सबसे खतरनाक चीज ये है, अब आजादी के बारे में हिमांशु जी बोल रहे थे, आजादी के बाद 1960s बहुत इनकलाब हो रहा था इस देश में, बहुत अलग अलग किस्म के रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स हुआ था इस देश में। वो क्या मांग रहे थे? वो मांग रहे थे लैंड टू द टिलर, जो जमीन पे मेहनत करते उनको जमीन दो, जमींदारी खत्म करो, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, बहुत इनकलाबी चीजें मांग रहे थे। उनको कुचला दिया, खत्म कर दिया। 80s और 90s में आंदोलन, जो रेडिकल आंदोलन थे, क्या मांग रहे थे? नर्मदा बचाओ आंदोलन, क्या मांग रहे थे? कि हमारे पास जो है जमीन वो छोड़ दीजिए, हमको विस्थापन मत कीजिए। एंटी डिस्प्लेसमेंट हो गया, फ्रॉम जस्टिस टू एंटी डिस्प्लेसमेंट, उनको भी कुचला के खत्म कर दिया। फिर आ गया 2008, 2009, 2010, तब क्या लोग मांग रहे थे? नरेगा, कि बस हमें 3 महीने के लिए थोड़ा मतलब पेट भरने के लिए पैसे दो। तब कहते कि नहीं, ये बहुत खराब बात है, नहीं हो सकता, नो एम्प्लॉयमेंट गारंटी। अब लोग क्या मांग रहे हैं? कि आपको मोदी जी के छापा हुआ बैग में थोड़ा सा आटा मिलेगा, नमक मिलेगा, और आप उनके लिए वोट दोगे क्योंकि मोदी जी का नमक खाया आपने, है ना? और उससे भी खराब, अगर आप मुसलमान हैं तो आप अपना सिटीजनशिप के लिए लड़ेंगे, अगर आप आदिवासी हैं जैसे असम में दलित है, सिटीजनशिप के लिए लड़ रहे हैं, जो मतलब जमीन पे आप खड़ा है आप उस पे भी डिपेंड नहीं कर सकते हैं। मतलब एक बहुत बड़ा जहाज को हम रिवर्स में उड़ा रहे हैं। कौन सा मतलब अभी इतने सालों में जो हम विपक्षी पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं, जो भी है, कांग्रेस है, शिवसेना है, जो भी पार्टी है, अभी उनका तो बस खरीदारी होती है, ऑक्शन होती है। मतलब ये सर्कस देख के मुझे लगता है कि हम एक वो जो कॉमेडी में लगाते हैं ना लाफ ट्रैक, ऑटोमेटिक फैक्ट्री वाला जो हंसी है, उसको चुपका के देखना चाहिए न्यूज को, क्योंकि देर इज नो पॉलिटिकल ऑपोजिशन दैट इज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड नाउ, देर इज नॉट एट अ नेशनल लेवल फॉर श्योर। सो जो इनकलाब आएगा, किसान आंदोलन से आएगा, बस्तर का आंदोलन से आएगा, दलित आंदोलन से आ सकता है। 2019 जब इलेक्शन का रिजल्ट आया था, जब बीजेपी छा गया था, उन्होंने दिखाया कि हमें मुसलमान का वोट नहीं चाहिए तब भी मेजॉरिटी जीत सकते हैं, हमने मायावती को हरा दिया, हमने लालू को हरा दिया, हमने मुलायम सिंह का पार्टी को हरा दिया, सब कुछ हमारे पास है, सब हिंदू बन गए, सब बीजेपी का मेजॉरिटी पूरा, मतलब उन्होंने पूरा ताकत से जीता था। उस टाइम मैंने देखा हमारा प्रधानमंत्री आया था शाम को
मतलब विक्ट्री स्पीच देने के लिए बहुत उदास था। हमें समझ में नहीं आया कि सबको आपने हरा दिया फिर भी आप इतना उदास क्यों हैं। और उन्होंने बोला ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये खान मार्केट गैंग है, ये मतलब दो तीन चार जो लोग सब हम हैं और जो जेल में हैं ये लोग बाकी है। मतलब जैसे एक बड़ा काला सा कर्टन लगाएंगे उसमें छोटा 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 छेद होगा ना, जैसे तारे रात में, उसको भी बंद करना है। और वो सिलसिला भी हो रहा है, तीस्ता सेतुरा को बंद कर दो, बाकी भीमा कोरेगा तो बंद ही है, हम लोग सब कुछ हैं, लेकिन कब तक? अभी हमें सीरियसली सोचना चाहिए कि ये फॉल्स वाला क्यूट सा उम्मीद छोड़ दिया जाए, क्योंकि अगले दो साल में एक सीरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम आने वाला है। बेरोजगारी तो है ही है, जैसे पहले कभी नहीं था। सबको आप एक दूसरे से लड़ा रहे हैं, और जब तक मुसलमान मुसलमान के लिए लड़ेगा, दलित दलित के लिए लड़ेगा, आदिवासी आदिवासी के लिए लड़ेगा, तब तक ये लोग बहुत खुश होंगे। जब तक हमें ये पूरा सिस्टम, until we understand the system that is underpinning this, क्योंकि ये पूंजीवाद का जहर हमारा खून में उतर गया। और अगर आप जातिवाद नहीं समझेंगे और पूंजीवाद और जातिवाद का रिश्ता नहीं समझेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जब सर्वाधिनियम अनाउंस हुआ था, जब ऑपरेशन ग्रीन हंट अनाउंस हुआ था, जब तिरंगरी ने बोला, जो 600 गांव जलाया गया था, जो औरत लोगों को बलात्कार किया जा रहा था, जब आदिवासी कोई अपने घर में नहीं रह सकते थे, वो जंगल में रहते थे क्योंकि रात को फोर्स आता था, सलाजुर्म आते थे, वो ये सब किस लिए हुआ? ऐसा नहीं है कि बस हो गया, एक वजह था। और किस लिए हुआ? इसलिए हुआ कि उस समय बहुत सारे MOU साइन हो गए थे, बहुत सारे कॉर्पोरेट माइनिंग कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर लीसेस साइन किए गए थे, बहुत सारे ये कंपनियां जो अखबार को या तो ओन करते थे या उसमें इश्तिहार देके जो मतलब चलाते हैं, ऑल द एडवर्टाइजिंग ऑफ न्यूज़पेपर्स यूज्ड टू कम फ्रॉम दोस सेम कंपनीज दैट वर नाउ लुकिंग एट the Adivasi homelands. Unconstitutionally, the government had signed them away. मतलब हमारा संविधान के खिलाफ था वो MOUs. तो एक पूरी तरह से conflict of interest था। उस समय का Prime Minister said that this is the single largest internal security threat. The poorest people in our country are the single largest internal security threat. उस समय हम लोग टीवी देखते थे, तो आजकल यू नो उसके बाद हुआ मुस्लिम टेररिस्ट, तो उस समय आदिवासी टेररिस्ट थे। और जब हम में से काफ़ी लोग अंदर गए जंगल में, मैं भी गई थी, बहुत हफ्तों के लिए मैं अंदर रही, और बहुत से लोगों को, बहुत वो जला हुआ गांव को मैंने देखा, बहुत से औरतों को जो नक्सली थे, नक्सली द नक्सलाइट माओइस्ट PLGA द लिबरेशन आर्मी, देयर वर मोर देन 40% वुमेन, यंग वुमेन। तो मैंने उनसे बात किया कि तुमने क्यों बंदूक उठाया? एक मुझे अभी भी याद है, कॉमरेड कमला, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने अपना एक रिश्तेदार को देखा, मैं छिपी हुई थी, और उसको इतना बलात्कार किया कि वो नीचे घास भी नहीं रहा, there was no grass left, that is what they did। लेकिन उन्हीं को हम अभी जो लड़ेंगे उनको टेररिस्ट बोलेंगे। जैसे हिमांशु जी ने कहा कि ये लड़ाई बाहर आएगा, आ चुका है,
क्या फर्क है ये किसान आंदोलन और अंदर वाले ये जो लड़ाई है, इसके इश्यूज में क्या फर्क है? दोनों सेम है ना, कि अपना जमीन, अपना जो आइडेंटिटी, अपना जो सब कुछ आप कॉर्पोरेट के हाथ में थाम रहे हैं, लेकिन किसान आंदोलन के पास एक मिडिल क्लास है, बड़े किसान है, पैसे हैं, वो लड़ सकते थे, और उनमें भी बहुत से लोग और उनके अंदर बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस बहुत पहले से बस्तर का लड़ाई समझ चुके थे, बस्तर के लोगों को बुलाते थे, सुनते थे। इस कमरे में कितने बार हमने ऑपरेशन ग्रीन हंट के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सब के सब जेल में है, साई बाबा जेल में है, रोना जेल में है, गौतम नवलखा जेल में है, सुधा जेल में है, गैडलिंग जेल में है, उनका क्या गुना था? इसी लड़ाई के बारे में वो बोल रहे थे, इसी लड़ाई के बारे में। अब कंटेंट ऑफ कोर्ट या जो हिमाचल जी के ऊपर या तीस्ता के ऊपर केस लगाया है, एग्जैक्टली व्हाट नंदिनी सेड, सेम थिंग, गुजरात के बारे में क्या क्या नहीं बोला था उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने। अभी इट्स अ क्राइम टू फॉलो द प्रोसेस ऑफ लॉ सेट आउट बाय द कोर्ट्स। मतलब 16 साल इसीलिए लगा क्योंकि कोर्ट में इतना टाइम लगता है, वो सब आपके पास है, यू हैव ऑल दोस प्रोविजंस, और आप जाकिया जाफरी को कह रहे हैं जिन्होंने अपना शी सॉ हर हस्बैंड बीइंग हैक्ड टू पीसेस और यू आर सेइंग दैट यू आर कीपिंग द पॉट बॉइलिंग। व्हाट इज रॉन्ग विद दिस कंट्री?